ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। पिछली वीडियो में बात की कि समय बीतने के साथ साथ शहर धीरे धीरे सामान्य हो गया और लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन पुरानी दुश्मनी मुश्किल से ही खत्म होती है और जल्द ही तनाव फिर से बढ़ने लगा। लेकिन अब एक रात रेड सिंडिकेट का एक सदस्य पीछे की गली में मृत पाया गया, जिसके माथे पर ब्लैक ब्रदरहुड का चिन्ह खुदा हुआ था। युद्ध विराम टूट गया और युद्ध नए सिरे से तीव्रता के साथ फिर से शुरू हो गया। शहर में ऐसा रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता। इसी बीच एक समय की बात है जब उत्तर मुंबई के हलचल भरे शहर महानगर में 100-200 लोगों का एक समुदाय एक मोहल्ले में रहता है, जिसे मुंबई नगरी में चौल कहा जाता है। चौल का नाम गणपति चौल है। इसके चारों तरफ बहुमंजिला इमारतें, जिसमें 3 से 4 लाल पीली ऊंची मंजिलें हैं, जिनके बीच में एक बड़ा आंगन जैसी खुली जगह है और इसके चारों ओर लाइन से आयताकार आकार में कमरे बने हुए हैं। कमरे ज्यादातर कच्चे तौर पर बने हैं, जिनमें किसी किसी कमरे के बाहर दरवाजे नहीं होने के कारण पर्दे टंगे हुए हैं। कमरों के आगे छोटी सी सीधा गलियारा या गैलरी जैसी जगह है, जिसकी रेलिंग पर लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं। हर दूसरे घर के आगे 2 कुर्सी एक टेबल रखी हुई है, जिस पर घर के बुजुर्ग बैठकर चाय की चुस्की के साथ देश विदेश की खबरों को साझा कर रहे हैं। वहीं वहां से ऑफिस की जल्दी में कामकाजी लोग जा रहे हैं, किसी के पीछे उसकी पत्नी या उसकी माँ टिफिन या कुछ जरूरी सामान लिए भाग रही है। उसी घर में से एक 28 साल का लंबा नौजवान, काले ब्राउन बाल, काली आंखें, गोरा रंग, चौड़ी छाती, गले में लाल स्कार्फ, लाल बूंदे वाली काली कमीज जिसके ऊपर 2 बटन खुले, काली बेल बॉटम, ब्राउन जूते पहने और मुंह में बीड़ी लिए हुए उसके घर से बाहर निकलते हैं। सब बुजुर्ग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, लो आ गया गणपत, अब आएगा विसर्जन का असली मजा। चौल के छोटे छोटे गलियारे अक्सर वहां रहने वाले लोगों के ऑफिस और दैनिक कार्यों पर जाने वाले लोगों से भरे होते हैं, जिसमें कुछ लोग बैठकर खाना बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ यूं ही समय बिता रहे हैं। रहने की तंग परिस्थितियों के बावजूद चौल के निवासियों ने एक अच्छा समुदाय बनाया और हर कोई अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता से रहता है। लेकिन क्या गैंगस्टर्स इस मोहल्ले को चैन से रहने देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, अनसेफ रहें। थैंक यू।